10,
lắm, quán, thử tính, 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 thử जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाते हैं उस सेक्शन में, कहाँ समझते हुए ऊपर लेकर जाने कहाँ छोड़ के भी नीचे वन जमीन से बनाएंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट nine, ten minutes. You will be not this. Same exercise, you still pencil. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, अब हम करेंगे पद्मासन की प्रैक्टिस। पद्मासन की प्रैक्टिस करने से पहले एक बार हम तितली आसन करते हैं, क्योंकि तितली आसन करने से पद्मासन बहुत आसानी से लगना शुरू हो जाता है, इसलिए दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों पैरों की पल्लव को मिलाते हैं, पहले क्रीजन के पास ही बैठेंगे, दोनों हाथों से कंधे को पकड़ेंगे, 20 टाइम्स तितली आसन करेंगे, श्वास करते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे। Now ready for Padmasana, किसी भी एक पैर को घुटने से रोकते हुए दूसरी पैर की जमा में रखेंगे, दूसरी पैर को घुटने से रोकते हुए दूसरी पैर को जमा कर रखेंगे। ये हमारा पद्मासन है, पद्मासन ध्यान रखना आसन है। पद्मासन को पद्मासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शरीर की आकृति पद्म में समान कर जाती है, अर्थात पद्म का अर्थ होता है कमल, कमल के फूल के समान इसमें हमारे शरीर की आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम पद्मासन है। पद्मासन ध्यान करने के लिए सबसे सर्वोत्तम आसन माना जाता है। पद्मासन में बैठकर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान जल्दी ही लगता है, इसलिए इसको ध्यानासन कहा गया है। पद्मासन करने के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पद्मासन करने से आपकी जो जंघाएं हैं, आपकी जो उंगलियां हैं, आपकी जो मांसपेशियां हैं, वो पुष्ट होती हैं, बलवान होती हैं, होती हैं, मजबूत होती हैं, आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपका स्पाइन सीधा रहने से इसकी जो डिजीज है वो दूर होती है। लेकिन अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है तो आपको योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन का अभ्यास करने में घुटनों में बहुत ज्यादा तेज दर्ज होने पर या फिर किसी भी तरह की इंजरी होने पर भी आपको योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन का अभ्यास करना है। सावधानियां इसमें यही रखनी है, स्पाइन का कोई गंभीर रोग हो तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, किसी भी तरह की पैर में इंजरी है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास बहुत ही ध्यान से करना। इसी का एक दूसरा वेरिएशन है
बद पद्मासन वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे ही हमने पद्मासन लगा, पद्मासन को दो तरह से आपको करना है। जिस पैर को आपने अभी ऊपर किया था उस पैर को आपने अब नीचे करना है। जिस पैर को आपने नीचे किया था उस पैर को आपने ऊपर करना है। दोनों तरह से पद्मासन का अभ्यास आपने करना है। ये दूसरी तरह से पद्मासन है। अब हम करेंगे वज्र पद्मासन का अभ्यास। वज्र पद्मासन के लिए भी आपको अपने पैरों के तलवों को जमुआ मूल में अच्छे से सटा लेना है। जमुआ मूल में अच्छे से सटा लेंगे। राइट हैंड को पीछे से घुमाते हुए राइट जो आपका लेग है उसके अंगूठे को आपने पकड़ना है। लेफ्ट हैंड को भी पीछे से घुमाते हुए अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को आपका पद्मासन है। ये भी उसी तरह से दो तरह से किया जाता है। इससे इसकी बेनिफिट की हम बात कर लेते हैं। इससे कंधों की जकड़न दूर होती है क्योंकि इसमें हाथों का भी यूज हो रहा है, तो इसलिए हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। कंधे मजबूत होती हैं, भुजाएं मजबूत होती हैं। हमारे हाथों और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने से हाथों और पैरों की जितने भी हमारे ज्वाइंट्स हैं वो स्वस्थ रहते हैं और हमारे हाथों और पैरों की मांसपेशियां बलवान होती हैं। अब हमने पैर चेंज करके वज्र पद्मासन का अभ्यास करना है। वज्र पद्मासन को भी आपने दो तरीके से करना है। दोनों पैरों से आपने इसका अभ्यास करना है। जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं यथाशक्ति यथासामर्थ्य है इसका अभ्यास आपको करना है। जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं धीरे धीरे वापस दंडासन की स्थिति में हम आ जाएंगे। अब हम करेंगे वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन बहुत ही अच्छा आसन है। लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए नितंब के नीचे पैर के कमर को रखना है। दूसरे पैर को भी इसी तरह से साइड से घुमाते हुए नितंब के नीचे आपने रखना है। आपके जो नितंब है आपके पैरों की एडी ऊपर होनी चाहिए। आपके दोनों पंजे मिले हैं, दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाप करना है। दोनों हाथ आपके हाइस पे रहेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी। आपकी वन वज्रासन में बैठ कर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। वज्रासन के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इससे हमारे जंघाओं कुंडलियों में मसल्स में मजबूती आती है। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती है। गर्दन की जकड़न दूर होती है। टखनों का कड़ापन दूर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे लंग्स मजबूत होती है। एकमात्र ऐसा आसन है जो आपको खाना खाने के बाद करना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिल इतनी स्ट्रॉन्ग होने का लॉजिक यह है कि जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे सारे जो शरीर की ऊर्जा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर लगना शुरू हो जाती है। इससे पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है, स्वस्थ होता है। धीरे धीरे वापस पैरों को साइड से घुमाते हुए सामने ले आएंगे। दंडासन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है गाय के मुख के समान इसमें आकृति हो जाती है, इसलिए इसको गोमुखासन कहा गया। किसी भी एक पैर को मोड़ते हुए हम सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ेंगे। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जंघा के नीचे से साइड में लेकर जाएंगे। दूसरे पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट
अलग है आपको उसको राइट साइड में रखना है और जो राइट आपका लेग है उसको लेफ्ट साइड में रखना है। इसमें जो सबसे ध्यान देने वाली जो बात होती है वो ये है कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो एक सीध में होने चाहिए, आपके दोनों घुटने एक सीध में होना चाहिए, एक घुटना दूसरे घुटने के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। उसके बाद जो पैर आपका ऊपर है, जो नी आपका ऊपर है, जो घुटना आपका ऊपर है, उस साइड के हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, पीछे लेकर जाएंगे, दूसरी साइड के हाथ को आपने पीछे से घुमाते हुए दोनों हाथों को आपस में बंद करेंगे। स्थिर हो जाना है, अपना ध्यान श्वास पर श्वास पर लगाना है, कमर गर्दन एकदम सीधी, बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें, हाथों और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी है पैरों में तो आपको उसका अभ्यास नहीं करना है, स्पाइन में किसी भी तरह की इंजरी है तो उसका अभ्यास नहीं करना है, हार्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो भी इसका अभ्यास ध्यान से करना है, योग प्रशिक्षक की देख रेख में उसका अभ्यास आपको करना। धीरे धीरे वापस यही अभ्यास हम दूसरे पैर से करेंगे, जो घुटना आपका ऊपर था उसको आपने नीचे रखना, जो घुटना आपका नीचे था उसको आपने ऊपर। आपके साइड से ऊपर उठाते आपको पीछे से घुमाते हुए दोनों हाथों को आप इसमें बंद, कमर गर्दन एकदम सीधी, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य रुके रहेंगे। धीरे दंडासन में आ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास पर श्वास करेंगे, थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे रखते हुए रिलैक्स पोजिशन में आ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास पर श्वास करेंगे 3 times। रिलैक्स वापस दंडासन में आ जाते हैं, राइट लेग को मोड़ते हुए पैर के पंजे को लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, घुटने के ऊपर तेज उठाते हुए राइट लेग के पंजे के पास रखेंगे, पीछे वाला हाथ पीछे, घोड़े को प्रेस करेंगे पीछे, गर्दन को पूरा पीछे करेंगे, चलेंगे
यथा शक्ति यथा सामर्थ्य रूपेण सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। रुकने से मोड़ते हुए राइट हैंड को भुजे के पास रखेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे की साइड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। श्वास सामान्य रूप से लेते रहेंगे। उपरासन जो है डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। पैनक्रियाज इंसुलिन सही मात्रा में पेशेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। पेट की मांसपेशियों की मालिश होती है, छाती का विस्तार होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है, आपकी कंधों की जकड़न दूर होती है, गर्दन की मांसपेशियों की मालिश होती है और हाथों और पैरों में मजबूती आती है, पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं वक्रासन की मीनिंग की। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे शरीर की आकृति की टेढ़ी हो जाती है, इसलिए इसको वक्रासन बोला है। अब हम बात करते हैं अर्धमस्तेंद्रासन। अर्धमस्तेंद्र आसन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मस्तेंद्रनाथ एक ऋषि हुए हैं, उन ऋषि के नाम पे उसका नाम अर्धमस्तेंद्रासन है। मस्तेंद्रनाथ जी को, मस्तेंद्रनाथ जो हमारे ऋषि हैं, उनको ये आसन बहुत ही प्रिय था, इसलिए उनके नाम पर इस आसन का नाम अर्धमस्तेंद्रासन रखा गया है। तो ये इसका अभ्यास करते हैं। किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर की जंघा के नीचे से साइड में रखेंगे, जिस तरह से हमने गौमुखासन में रखा। दूसरे पैर को घुटने के, जिस पैर को आपने तंग किया है उसके घुटने के पास कमजोर रखेंगे। लेफ्ट हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, नाभि के पास अपनी बॉडी को थोड़ा प्रेस करें। यही अभ्यास दूसरी साइड से
राइट हैंड का उपयोग करते हैं। दूसरे पैर को दूसरे हाथ को पीछे से मोड़ते हुए नाभि पर देश के पास रखी है। बॉडी को पूरा ट्विस्ट, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य रुके रहेंगे धीरे धीरे वापस। दंडासन में आ जाएंगे, रिलैक्स पोज में आ जाएंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास से राइट। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अब हम ज्ञान शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। किसी के एक पैर को मोड़ देंगे, दूसरे पैर की जनता से बनाएंगे, दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हुए श्वास करते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ सीखेंगे। अपने माथे को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य रुकेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते। जबरदस्ती किसी को भी आसन में नहीं करनी है। जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ तक जा पाए तो आपको यहाँ तक ही जाना है। जबरदस्ती आपको अपने शरीर के साथ नहीं करनी है। यहाँ तक आप जा पा रहे हैं यहाँ तक जाइए, यहाँ तक आप जा पाए यहाँ तक। अगर आप अपने पैर को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जहां तक जा पा रहे हैं वहां तक ही आपको जाना। सिर्फ अंगूठा पकड़ पा रहे हैं, पूरा पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी। जहां तक आप जा पा रहे हो वही टिकेगा। धीरे धीरे वापस धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर से भी अभ्यास करेंगे। पैर के कंधे को दूसरी पैर की झंडा से चिपका कर रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस पैर को सीधा करें। इससे आपकी जंघाओं की कुंडलियों की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके पैरों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ठीक होती है। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटने में गंभीर समस्या है, सीवियर की पीड़ा है, अगर आपको स्पाइन का कोई भी गंभीर रोग है तो आपको इस सबका अभ्यास नहीं करना है। हर्निया की प्रॉब्लम है तो भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना है।
आपके हाथ पैर स्पाइन अच्छी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप योगासन का अभ्यास कर रहे हैं। दो से तीन बार नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे सांस प्रश्वास। अगले आसन के अभ्यास के लिए वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करनी है, अंदर रखना है। इस तरह से दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करने के बाद अपने दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के दोनों तरफ आपने लगा लेना है। पूरा सांस भरना है, उसके बाद पूरे सांस को बाहर छोड़ देना है और उसके बाद आगे आपको झुकना है। पूरा लंबा देना सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ के धीरे धीरे नीचे लाएंगे। गर्दन आपने सीधी रखनी है, नजर आपने सीधी रखनी। यथाशक्ति यथा समर्थ रखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे वापस आए, मंडूकासन का अभ्यास करने से डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे उदरस्थ अंगों की मालिश होती है, हमारे उदरस्थ जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होती है, किडनी लीवर की फंक्शनिंग अच्छी होती है। सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट डायबिटीज वाले रोगियों को होता है, तो इसका अभ्यास डायबिटीज वाले रोगियों को जरूर करना चाहिए। इसका अभ्यास हम दोबारा करते हैं। अब हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों एड़ियों में थोड़ा गैप बना लेंगे। नितंब को थोड़ा सा जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे, दोनों घुटनों
को आगे से खोलेंगे, दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर को पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे, लंबा लंबा सांस करेंगे, अपनी बॉडी को पूरा आर्थिक तरफ स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों का सम्मान दे रही वापस कर रही हूँ। सुशांत आसन एक तरह से पीठ की रिलैक्सेशन के लिए है। पीठ में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट, पीड़ा, कष्ट, खिंचाव, दबाव महसूस हो रहा है तो इससे आपको मुक्ति मिलती है अगर आप सुशांत आसन का अभ्यास करते हैं। सुशांत आसन का अभ्यास करने से आपकी जो जंघाएं हैं वो मजबूत होती हैं, जंघाओं पर एक्स्ट्रा फैट अगर है तो चर्बी हमारी फिनिश होती है, खत्म होती है, कम होती है। आपकी जो नितंब में यहाँ से अगर एक्स्ट्रा फैट जमा है तो वो भी ठीक होता है, कम होता है। आपकी जो मांसपेशियां हैं थाइस की और कुंडली की वो मजबूत होती हैं, घुटनों का दर्द ठीक होता है। लेकिन अगर आपको गंभीर समस्या है घुटनों से भी लेकर तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए या फिर किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में भी करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आसन का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। उसके लिए आप घुटनों के बल पर पहुंच जाएंगे, अपने शरीर को सीधा रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बना लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, उसके बाद हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को पीछे कमर से उठा लेंगे, सांस बढ़ते हुए पीछे की साइड जाएंगे। एक एक हाथ को पीछे एक से सटाएंगे, गर्दन को पीछे घुमा छोड़ेंगे,
यथाशक्ति यथा सामर्थ्य रूपेण से आपकी जो कमर दर्द है वो ठीक होता है, आपकी जो जंघाएं है वो मजबूत बनती हैं, आपके हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मसल्स मजबूत होती हैं। लेकिन अगर आपको पीठ दर्द से रिलेटेड कोई ज्यादा गंभीर समस्या है, उसका अभ्यास नहीं करना है, हर्निया है, हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है, तो भी इसका अभ्यास आपको किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही ध्यान पूर्वक करना है। उस शास्त्र का अभ्यास करने के बाद आपको शशांक आसन का अभ्यास करना है। तो चलिए मेरे साथ शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। अब हम करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास। मार्जरी आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को घुटनों के पास रखेंगे, दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, आपकी कंधों में समान के दोनों हाथ होने चाहिए और आपकी हिप्स के समान के समान अंतर आपकी कितने होंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हैं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आएंगे।
टाइम हो गया सुमन मैम। क्लास के समापन के लिए एक बार मेरे साथ कल्याण मित्र का जाप करें, लंबा गहरा सांस करते हुए कमर गर्दन सीखें। सर्वे भवन्तु सुखिनं, सर्वे सन्तु निरामयं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी महान और पुत्र आत्माओं को मेरा प्रणाम।